तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि कोरोना मामलों में बढ़ोतरी कुछ ही राज्यों में दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 42,982 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 80.73% केस सिर्फ 5 राज्यों में दर्ज किए गए हैं, वहीं अकेले केरल में 52.15% केस मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों वाले राज्य में केरल सबसे ऊपर है, जहां 22,414 नए मामले सामने आए हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र में 6,126 नए मामले, आंध्र प्रदेश में 2,442 मामले, तमिलनाडु में 1,949 मामले और कर्नाटक में 1,769 नए केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 533 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। यहां 1,995 कोरोना मरीजों की जान चली गई है, वहीं केरल में 108 मरीजों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में भारत का रिकवरी रेट 97.37% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,726 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 3,09,74,748 हो गई है। वहीं अभी भारत में कोरोना के 4,11,076 मरीज एक्टिव हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।